अच्छा, आज आपका टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम का रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। पहले तो आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि ये आपके पास जो केपी और केसी हैं ये क्या है। केसी आपने जो है वो लास्ट मैथ सेक्शन में देखा था कि जो एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है उसके प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनकी एक्टिव कंसंट्रेशन की जो रेशियो थी उसको आपने केसी कहा था, याद है। यस मैम, और के पी अगर आप देखें तो ये भी आपके पास एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन की एक्टिव कंसंट्रेशन की रेशियो ही है, ठीक है। लेकिन रेशियो यहाँ पे ऐसे रिएक्शन की है जो कि गैशियस रिएक्शन है, यानी उसके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों जो है वो आपके पास क्या है, गैशियस फॉर्म में। क्लियर। तो ये दोनों आपके पास एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स की रेशियोज हैं, लेकिन उस वक्त, ठीक है, जब आपका रिएक्शन सोल्यूशन फॉर्म में है या फिर जब आपका रिएक्शन गैशियस फॉर्म में है। गैशियस फॉर्म के लिए आप के पी लेंगे और सोल्यूशन या लिक्विड फॉर्म के लिए के सी लेंगे। क्लियर। यस मैम। अब इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है वो आपने डिटरमिन करना है, ठीक है। अब जैसे सपोज आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें ए मोल्स ऑफ ए हैं, बी मोल्स ऑफ बी हैं, ठीक है। ये हमने पहले भी जो है वो चेक किया है, एग्जाम्पल सी मोल्स ऑफ सी और डी मोल्स ऑफ डी जो है वो प्रोडक्ट पे बन रहे हैं इन दोनों के रिएक्शंस, ठीक है। अब अगर आप इसका के पी लिखते हैं, के सी तो आपको पता ही है कि कैसे लिखना है। अगर आप के पी इसका लिखते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि ये गैशियस रिएक्शन है और ये सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो है ये आपके पास गैशियस फॉर्म में है, तो आप इसका के पी लिखेंगे, ठीक है। और वो आपके पास होगा प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी पी सी और पी डी। ये सी और डी कैपिटल जो है ना ये आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ऊपर जो सी डी स्मॉल है ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको बताया था जो नंबर ऑफ मोल्स हैं या जो कॉफिशंट्स हैं जिनको आप बैलेंस करने के लिए लगा रहे हैं वो पावर बनेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स का प्रेशर, ठीक है, और उनकी पावर्स जो कि नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में अपियर होगी, रिएक्टेंट्स का प्रेशर और उनकी पावर्स जो नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। क्लियर हो गया केपी, जी मैम। ठीक है। अब पी जो है वो यहाँ पे एक्चुअली है क्या, वो आपके पास पार्शियल प्रेशर है इंडिविजुअल गैसियस कंपोनेंट का। जैसे वो आपने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि आपके पास किसी भी सिस्टम का जो टोटल प्रेशर होता है उसके अंदर जितनी भी गैसेज होती है उन सब के प्रेशर का सम होता है, ठीक है। तो अब इस पूरे सिस्टम का जो प्रेशर होगा वो सम ऑफ प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ सी और प्रेशर ऑफ डी होगा। उसकी वजह ये है क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन में हमने डिस्कस किया था कि एक वक्त में आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में से कोई एक जो है वो कंपोनेंट नहीं होगा, यानी मैं ये नहीं कह सकती कि किसी भी वक्त आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट्स है या सिर्फ प्रोडक्ट्स। आपके पास कुछ कंसंट्रेशन हर टाइम पे रिएक्टेंट्स की होती है, कुछ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की होती है, और ओवरऑल इन दोनों की मिक्सर को आप कहते हैं रिएक्शन मिक्सर। क्लियर। रिएक्शन मिक्सर है तो इसका मतलब ये है कि ये एक पूरा सिस्टम है जिसका प्रेशर जो है वो सम ऑफ इंडिविजुअल गैशियस कंपोनेंट्स के प्रेशर के इक्वल है। यानी इस पूरे सिस्टम के अंदर ए मोल्स ऑफ ए जो है या बी मोल्स ऑफ बी है इसकी भी कुछ रेशियो मौजूद है, इसकी भी रेशियो है, इसकी भी कुछ रेशियो है, इसकी भी कुछ रेशियो है, और जब इन दोनों को हम जो है वो पूरे सिस्टम का प्रेशर निकालना चाहते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका रिएक्शन मूव करता है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ या हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अगर मैं कहती हूँ कि इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 5 मोलर थी, इसकी भी 5 मोलर थी, इसकी 0 थी, इसकी 0 थी, कुछ टाइम के बाद इसमें से 2.5 इधर आ जाएगा, इसमें से भी 2.5 इधर आ जाएगा, दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। तब क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर 2.5 ए मोल्स होंगे, 2.5 बी मोल्स होंगे, 2.5 सी मोल्स होंगे और 2.5 डी मोल्स होंगे, तो इन सब के प्रेशर को आप सम करेंगे तो आपके पास टोटल प्रेशर बनेगा। और क्योंकि टोटल प्रेशर इन सब का सम है इसलिए हम कह रहे हैं कि हर जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है, यानी अगर आप सिर्फ ए का प्रेशर ले रहे हैं तो उसका पार्शियल प्रेशर है, सिर्फ बी का प्रेशर ले रहे हैं तो वो बी का पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल का लफ्ज जो है वो पार्ट से निकला हुआ है, यानी टोटल का एक पार्ट, यानी सिस्टम का टोटल जितना प्रेशर है उसका एक पार्ट जो है वो प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है, दूसरा पार्ट जो है वो प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी है, तीसरा पार्ट प्रेशर ऑफ कंपोनेंट सी है और चौथा पार्ट प्रेशर ऑफ कंपोनेंट डी है। क्लियर। यस मैम। और ये सारी कंडीशन उस वक्त एप्लीकेबल है जब आपका रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट
अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो पार्शियल प्रेशर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास आइडियल गैसेस के लिए एक जनरल गैस इक्वेशन अवेलेबल है, ठीक है, जिसको आप कहते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर। ऐसे ही है ये वाली इक्वेशन आप कई दफा पढ़ चुके। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैंने ये जो आपके चारों कंपोनेंट्स हैं जो आपने पहले डिस्कस किए हैं इनमें से हर कंपोनेंट का प्रेशर निकालना चाहती हूँ एज आइडियल गैस, क्योंकि ये जो आपकी एक्चुअली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है जिस पे आप चल रहे हैं ये आपको आइडियल गैसेस की इन्फॉर्मेशन देती है। अगर इस रिएक्शन के लिए इस कंपोनेंट का भी मैं पार्शियल प्रेशर निकालना चाहती हूँ, उसका भी निकालना चाहती हूँ, उसका भी निकालना चाहती हूँ, उसके लिए इसका भी निकालना चाहती हूँ, उसके लिए मेरे पास जनरल गैस इक्वेशन है और जनरल गैस इक्वेशन के अंदर मेरे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी जनरल गैस इक्वेशन की, जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इंटू वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस इंटू आर टी। यानी एक्सप्रेशन आपके पास यही वाला है लेकिन पी की जगह पे आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ आइडियल गैस और एन की जगह पे आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस। क्लियर? तो ये इक्वेशन आपके पास बन गई। ये क्लियर है आप? Yes, ma'am. नेक्स्ट अगर आप इससे मूव करते हैं तो क्या होगा कि इसमें से अगर मैं पार्शियल प्रेशर निकालना चाहती हूँ, क्योंकि हमने जो एक्सप्रेशन निकाला था उसमें हमें प्रेशर की वैल्यू चाहिए, अगर इसमें से मैं पार्शियल प्रेशर निकालती हूँ पी आई उसकी वैल्यू बन जाएगी एन आई आर टी, तो ये वी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा एन आई आर टी ओवर वी, आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ आइडियल गैस की वैल्यू होगी। अब इसमें से अगर आप देखें तो ये जो आपके पास एन आई ओवर वी है ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये आपके पास डेफिनेशन है एक्चुअली कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जब आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स चेक करते हैं, जैसे आप कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स वन पर लीटर, लीटर भी आपके पास वॉल्यूम का यूनिट है, तो वो आपके पास एक्चुअली कंसंट्रेशन होती है। आ रही है बात की समझ? कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इन दोनों की जगह पे आप सी आई लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? या कंसंट्रेशन ऑफ आइडियल गैस। क्लियर? यस मैम। अब नेक्स्ट मैं क्या कर सकती हूँ कि ये जो आपका एन आई ओवर वी है उसकी जगह पे मैं सी आई लिख सकती हूँ। अगर मैं एन आई ओवर वी की जगह पे सी आई लिखूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्लियर? एक्सक्यूज मी मैम जी, अगर हमें किसी जगह पे ये पूछा जाके कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस गैस तो फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? ये आप वैसे ही आपके पास एक्चुअली ये वाला जो फॉर्मूला है ना ये आपके पास सॉल्यूशंस के लिए, सिर्फ गैस के लिए नहीं हो। तो अब यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि आपका जो रिएक्शन है आपके रिएक्टिव प्रोडक्ट्स हैं वो गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं और वो सॉल्यूशन फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब आपने ये देखना है कि आपको जो रिएक्शन अवेलेबल है उसके अंदर कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना आसान है या फिर उसके अंदर प्रेशर को कैलकुलेट करना आसान है, ठीक है। अगर प्रेशर को कैलकुलेट करना आसान है आप के पी करते हैं, और अगर कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना आसान है आप के सी करते हैं। लेकिन सपोज आप कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू रिएक्शन के पी कर सकते हैं लेकिन आपसे रिक्वायर के सी किया गया तो फिर क्या करेंगे? फिर हम लोग यहाँ से ही करेंगे, यहाँ से आप इन दोनों का रिलेशनशिप देखेंगे और एक वैल्यू जो इजीली कैलकुलेट हो सकती है उसको करके दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो क्योंकि अभी हमने ये कहा है कि आपका जो रिएक्शन है उसके अंदर अगर गैस भी है, सपोज मैं ये कहती हूँ जैसे आपके पास कार्बोनिक एसिड है उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड की जो सर्टन क्वांटिटी है उसको किसी वाटर की क्वांटिटी के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, उसको अंडर प्रेशर मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद कार्बोनिक एसिड बनाते हैं जो कि कोल्ड ड्रिंक है, तो वो भी है तो आपके पास सोल्यूशन ही, हालांकि आपने उसमें गैस को लिक्विड में डिजॉल्व किया। तो क्या है कि कंसंट्रेशन का मतलब एक्चुअली होता है कि आपके जो सोल्यूट की क्वांटिटी है जो किसी भी यूनिट वॉल्यूम के अंदर डिजॉल्व है। अब आपका सोल्यूट जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, वो गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। अब ये पी आई इज इक्वल टू सी आई आर टी की समझ आ गई? अब नेक्स्ट जो है वो हम ये देखते हैं कि आपके पास जो है चार रिएक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल थे, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ए मोल्स ऑफ ए हैं, बी मोल्स ऑफ बी हैं, सी मोल्स ऑफ सी हैं, डी मोल्स ऑफ टी हैं। इसका मतलब है इसका प्रेशर है पी ए, इसका प्रेशर पी बी, इसका प्रेशर पी सी और इसका प्रेशर पी डी। अब अगर मैं पी ए निकालती हूँ इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग,
पी आई इज इक्वल टू सी आई आर टी, तो ये जहां जहां पे मैंने आई लगाया वहां पे ए आ जाए, बी के लिए निकालूंगी तो जहां जहां पे आई लगाया वहां पे बी आ जाएगा, सी के लिए कैलकुलेट करूंगी जहां जहां पे आई लगाया वहां पे सी आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास पी ए इक्वल हो जाएगा सी ए आर टी के, पी बी हो जाएगा सी बी आर टी के, पी सी हो जाएगा सी सी आर टी के, और पी डी हो जाएगा सी डी आर टी। क्लियर? यानी एक्सप्रेशन आपका यही होगा, सिर्फ आई की जगह पे वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आ जाएगा जिसके लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। इस एक्सप्रेशन की समझ आ गई? जी मैम आ गई। यहाँ पे आई की जगह ए के लिए ए आ गया और सी आई की जगह सी ए, बी के लिए आई की जगह बी आ गया, सी के लिए आई की जगह सी आ गया, और डी के लिए आई की जगह डी आ गया। नेक्स्ट जब आप इससे मूव करेंगे तो ये देखिए आपके पास ये चीज के पी, ठीक है, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में कैलकुलेट की थी, ठीक है, ये चीज आपने कहा था कि आपके पास के पी है, ठीक है, और ये जो हम सारे पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर रहे थे इस के पी के लिए कर रहे थे, ठीक है, ये आपका के पी है, इसमें से आपको इस पी की वैल्यू चाहिए थी, इस पी की, इस पी की वैल्यू के लिए आपने ये सारी कैलकुलेशंस की हैं कि आपने आइडियल गैस इक्वेशन यूज की, फिर इसको आइडियल गैस का एक्सप्रेशन दिया, फिर आपने उसके लिए पार्शियल प्रेशर की वैल्यू निकाली, फिर पार्शियल प्रेशर जो है उसमें से कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई किया, फिर आपने उसके लिए एक जनरल एक्सप्रेशन बना दिया पी आई इज इक्वल टू सी आई आर टी, फिर इसी जनरल एक्सप्रेशन को यूज करते हुए आपने वो चारों पार्शियल प्रेशर निकाल लिए हैं जो आपको इस एक्सप्रेशन के लिए रिक्वायर्ड थे। अब पी ए की वैल्यू भी आपके पास है, पी बी की भी है, पी सी की भी है, पी डी की भी है, लगा सकती हो? क्लियर? अब मैंने क्या किया है, सबसे पहले पी सी जो था उसकी जगह पे पी सी की वैल्यू लगा दी, वो थी सी सी आर टी, लेकिन जो इसकी पावर सी है वो अभी हमने रिजॉल्व नहीं की, हमने सिर्फ पी सी की वैल्यू फाइंड की, इसलिए ये जो इसकी पावर है वो एज इट इज इसकी पावर ही रहेगी। पी डी में भी ये होगा कि पी डी की वैल्यू तो हमारे पास थी लेकिन हमने डी को डिजॉल्व नहीं किया था, स्मॉल डी को, इसलिए पी डी की आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की थी वो लगा लेंगे लेकिन जो पावर है वो एज इट इज रहेगी। इसी तरह सी ए के लिए लिखेंगे और इसी तरह सी बी के लिए लिखेंगे। क्लियर? यस मैम। अब नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, देखें इसके अंदर दो तरह की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है, एक तो आपके पास आ गई है कंसंट्रेशन, सी की कंसंट्रेशन, डी की कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, साथ में आपके पास आर टी आ रहा है हर वैल्यू के अंदर, तो क्योंकि यहाँ पे दो तरह की आपके पास फैक्टर्स आ रहे हैं, आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, जिसको आप कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, एक जैसी वैल्यूज को इकट्ठा कर सकते हैं। अब जब आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करेंगे तो देखें आपके पास सी सी, पहले तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लें सी सी आर टी सी, उसकी वजह क्या है कि ये जो वाला जो सी है ना आपके पास, ये इस सी की पावर भी है और आर टी की पावर भी है, ये वाला डी जो है ये इस सी डी की भी पावर है और आर टी की भी पावर है, ये वाला ए इस सी ए की भी पावर है आर टी की भी पावर है, ये वाला बी इस सी बी की भी पावर है आर टी की भी पावर है, मैंने सबकी पावर अलग अलग करके समझ आ गई? यस मैम। जी मैम। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को अलग कर सकते हैं, आर टी को अलग कर सकते हैं, ये देखिए मैंने सारी कंसंट्रेशन अलग कर दी, सी 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 डी सी ए सी डी, ये चारों यहाँ पे इकट्ठे हो गए और जो चारों आर टी थे वो यहाँ पे इकट्ठे हो गए, लेकिन पावर समेत सी 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 डी सी ए सी बी, ठीक है, आर टी, ठीक है, ये आर टी ऑफ सी, आर टी ऑफ डी, आर टी ऑफ ए, आर टी ऑफ बी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हो गई। यस मैम। अच्छा अब ये वाली जो चीज है ना, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये चीज क्या है, ठीक है, ये वही वैल्यू है जिसको आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये वाली जो चीज है ये के सी है, जो आपके पास के सी का एक्सप्रेशन है ना, जिसको आप कहते हैं एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, वैसे तो आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं लेकिन आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास एक्चुअली के सी का ही अल्टरनेट एक्सप्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, वो भी एक्टिव कंसंट्रेशन है, ये भी एक्टिव कंसंट्रेशन है, तो इन दोनों को आप के सी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? यस मैम। अब मैं क्या करती हूँ कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है सी वाला, इसकी जगह पे मैं के सी लिखती हूँ, ठीक है, अगर इसकी जगह पे हम के सी लिखते हैं तो आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो कैसे हो जाएगा,
कि केसी आपका क्लियर हो गया, ये केसी है। अब ये आपने येलो वाला पार्ट देखा, ठीक है, येलो वाले पार्ट में आप देखें अगर आपकी बेस सेम हो, ठीक है, आपने 10th क्लास के मैथमेटिक्स के अंदर भी एक्सप्रेशन मौजूद है कि अगर आपकी बेस सेम हो जैसे आर टी सेम है सब में, तो आप पावर्स को ऐड कर सकते हैं। यस मैम, ठीक है, तो आर टी सेम है, ठीक है, तो सी प्लस डी हो जाएगा, आर टी आप एक ही दफा लिखेंगे पावर्स ऐड। मैम पिछली स्लाइड में वो सी आर टी कैसे आ गया, सी किधर गया है? ये सी मैं आपको बता रही हूँ ना, दो पार्ट थे, एक ये पार्ट हो गया था ना सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के बाद, एक ये पार्ट हो गया था रेड वाला और येलो वाला। रेड वाला हमने सॉल्व कर लिया, उसका आंसर के सी है। ये कॉमन ले लिया होगा, आर टी को एक तरफ कर दिया, सी को एक तरफ कर दिया। ये मैंने अभी सिर्फ येलो वाला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, सिर्फ येलो वाला अलग करके सॉल्व कर रही हूँ, फिर हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर देंगे। आइए बात की समझ, इसको अलग करके सॉल्व करेंगे और फिर डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पे पुट कर देंगे, जैसे इसका आंसर हमने डायरेक्ट निकाल लिया। क्लियर? यस मैम। अभी मैं सिर्फ येलो पार्ट को अलग कर दिया मैंने, फिर उसके अंदर से ये जो दोनों बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई, सी प्लस डी, इधर भी बेस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी ए प्लस, ठीक है। अब अगर आप आइडेंटिफाई करें तो ये जो दोनों आर टी हैं सी प्लस डी वाले, ये आपके पास जो है वो क्या करते हैं, सी प्लस सी और डी जो है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर सी और डी आ रहा था, और ए और बी जो है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स है, तो इनको मैंने सी प्लस डी को लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और ए प्लस बी को लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि आपके रिएक्शन के अंदर सी और डी प्रोडक्ट वाली साइड पे था और ए और बी रिएक्टेंट वाली साइड पे था। क्लियर? यस मैम। अब मैं क्या कर सकती हूँ कि सी प्लस डी की जगह पे एन ऑफ प्रोडक्ट्स लिख सकती हूँ और ए प्लस बी की जगह पे एन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब जो है ये आप देखें, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है, कि ये जो रिएक्शन है इसमें आप ये देखें, अगर मैं इसको लिखती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इसको लिखती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, और अगर मैं एक एडिशनल एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख देती हूँ जिसमें मैं ये कहती हूँ कि ये जो दोनों हैं, ठीक है, आप ये देखें कि आपके पास बेस एक दफा फिर सेम हो गई, ठीक है, अगर आप इस फैक्टर को भी ऊपर लेके जाते हैं तो इन दोनों पावर्स के साथ क्या होगा, माइनस, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है, यानी एक्चुअल जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी होगा, ठीक है, यानी उसमें क्या होगा, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो माइनस हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स में। आर टी तो होगा लेकिन जो आर टी की पावर होगी उसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स में से माइनस हो जाएंगे। इस बात की समझ आई? यस मैम। नहीं आई तो बता दें। मैम दोबारा बता दें। स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, चेक करना, तो देखेंगे आपके पास हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, इसका मतलब ये कि इन दोनों को हमने माइनस करना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स में से माइनस करना, ठीक है। अब जब आप माइनस करेंगे, ठीक है, फिर आपके पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा, ये देखें डेल्टा एन डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स को जब माइनस करेंगे तो आप जहां पे भी फाइनल कोनिशियल में से माइनस करते हैं प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स आपकी फाइनल जो है वो आउटकम होते हैं, और ये इनिशियल है, नंबर ऑफ मोल्स की फाइनल स्टेट को इनिशियल में से माइनस करेंगे तो डेल्टा एन आंसर आएगा आपके पास। क्लियर? यस मैम। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन आपके पास मौजूद था उसमें इस रेड वाले फैक्टर की जगह पे केसी आ जाएगा और येलो वाले फैक्टर की जगह पे आरटी और उसकी पावर डेल्टा एन। यस मैम। अब क्लियर है? यस मैम। अच्छा नेक्स्ट जो है वो आप अगर देखें इसको, ठीक है, तो अब ये जो आपके पास के पी के सी है अगर आप इन दोनों का रिलेशनशिप देखें तो एक्चुअली वो डेल्टा एन पे डिपेंड कर, ठीक है, और डेल्टा एन जो है उसकी जो भी वैल्यू होगी वो के पी और के सी का रिलेशनशिप जो है वो डिसाइड करेगी, ये आपका फाइनल रिलेशनशिप है, लेकिन आपने इसको आइडेंटिफाई डेल्टा एन से कर, कैसे, कि आपका जो एन पी माइनस एन आर है, ठीक है, ये यहाँ पे एन पी एन आर से ग्रेटर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, अगर आपका एन पी एन आर से
ग्रेटर है, इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। इस केस में आपके पास क्या होगा कि आपका जो डेल्टा एन है, ठीक है, मुझे ये बताएं कि अगर एन पी एन आर से बड़ा है तो आपके डेल्टा एन का आंसर प्लस में होगा, माइनस में होगा या जीरो होगा? प्लस में होगा, ठीक है। अगर आपका आंसर प्लस में आता है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि के पी इज ग्रेटर देन के सी। उसकी वजह यह कि यहाँ पे प्लस आएगा तो इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास के पी के इक्वल आएगी। इसका मतलब है कि के पी ग्रेटर है ओवरऑल इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अगर आपका के पी ग्रेटर है तो आपका जो इसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा कि इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स देन के पी इज ग्रेटर देन के सी। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से स्मॉलर हो, ठीक है। अगर आपके पास ये वैल्यू स्मॉल है और ये लार्जर है तब आपका आंसर प्लस में होगा, माइनस में होगा? माइनस में होगा। माइनस में होगा अगर आपके पास आंसर इसका, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये नीचे आ जाएगी, ये सी के नीचे आके डिवाइड होगी, डिवाइड होगी तो डिवाइड होने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा, या इधर से ये जो आपके पास आर टी होगा वो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तब के सी के इक्वल होगा। इस केस में आपके पास के सी विल बी ग्रेटर देन के सी। अगर प्लस में आंसर आएगा तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा है, माइनस में आंसर आएगा तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा है। और अगर आपका के पी के सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स के इक्वल है तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो, जीरो आएगा। जीरो जिस भी वेरिएबल की पावर होती है आप कहते हैं कि वो वन के इक्वल हो जाता है, इसका मतलब है कि ये पूरा फैक्टर वन के इक्वल हो जाएगा तब के पी के सी के इक्वल हो। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने ओवरऑल अपने रिएक्शन को लुक इनटू करना है, अगर उसमें के पी इजीली कैलकुलेट हो सकता है तो के पी आप कैलकुलेट करने और उसको के सी में कन्वर्ट कर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स देख के, और अगर के सी इजीली कैलकुलेट हो सकता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स देख के आप उसको के पी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? के पी कैलकुलेट हो सकता है तो के पी कैलकुलेट कर लें, के सी कैलकुलेट हो सकता है तो के सी कैलकुलेट कर लें, क्योंकि उसको दूसरी वैल्यू में जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप एंड लुकिंग इनटू नंबर ऑफ होल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्लियर? यस मैम। तो ये आपका के पी और के सी का रिलेशनशिप था जो आज आपने स्टडी करना था। क्या यहाँ तक आपके पास कोई क्वेश्चन है?